वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आपका एके भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेके आया है। तो मैं बात करने वाला हूँ ऋतिक सर की मस्ट अवेटेड मूवी आने जा रही है 2024-25-26 के अंदर। कौन कौन सी मूवी उनकी आएंगी उसी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी ऋतिक सर के सबसे बड़े फैन हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऋतिक सर की सबसे फर्स्ट मूवी फाइटर आने जा रही है। फाइटर मूवी की क्या बात करें गाइस, इसके अंदर इतने खतरनाक सीन होने वाले हैं कि आपके देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने खतरनाक सीन इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। ऋतिक सर ने बहुत इंतज़ार करवा लिया पब्लिक और उनके फैंस से। अभी उनकी इतनी खतरनाक मूवी आने जा रही है फाइटर, और बताया जा रहा है ये मूवी जवान का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। इस मूवी के अंदर बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन होने वाले हैं, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धांत आनंद, जो कि आप जानते हो कितने खतरनाक डायरेक्टर है। और इसके स्टारकास्ट में हमें अनिल कपूर सर, दीपिका पादुकोण मैम और अपने यानी ऋतिक सर दिखाई दे सकते हैं। और गाइस, ये मूवी रिलीज होनी है जनवरी 2024 के अंदर, फर्स्ट मंथ में ही रिलीज हो जाएगी। और अभी सेकेंड मूवी की बात करें अपने ऋतिक सर की, वो है वॉर 1। कितनी हाई लेवल और कितना पागलपन लोगों के अंदर बिठा के रखा था, और अभी उसका सेकंड पार्ट आने जा रहा है YRF यूनिवर्स की। ये है कितनी खतरनाक मूवीज आ रही हैं, मज़ा आ गया। जैसे Tiger 3, पठान, YRF की जितनी भी मूवी है ना, एक था टाइगर, Tiger 3, जवान, पठान, वॉर, ये काफ़ी एक्शन थ्रिलर और कितनी यार हाई लेवल की मूवी बनती हैं, और ये सारी मूवी अभी तक हिट गई हैं। और वॉर 2 अभी आने जा रही है। वॉर 2 के डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, जो कि आप जानते हैं, और इस मूवी के अंदर हमको दिखाई देने वाले हैं जूनियर NTR, 11 अडवाणी मैम और अपने ऋतिक सर। और ये मूवी हमको देखने को मिल जाएगी जनवरी 2025 के अंदर, यानी जनवरी 2024 के अंदर आ रही है मूवी अपने ऋतिक सर की फाइटर, और जनवरी 2025 के अंदर आ रही है वॉर 2। और अभी नेक्स्ट मूवी की बात करें ऋतिक सर की, वो है Krish 4। अभी इसकी रिलीज डेट तो फिक्स नहीं की गई, क्योंकि अपने ऋतिक सर की दो मूवी पहले आनी है और उसके बाद आएगी Krish 4। तो Krish 4 की गाइस एक लाइन में रिव्यू करूँ तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाएगी आराम से, अगर ये मूवी आई तो। लेकिन गाइस, कुछ प्रॉब्लम के कारण ये मूवी अभी नहीं आ रही। आएगी पक्का, लेकिन अभी नहीं आ रही। ये मूवी हमको 2026 तक के एंडिंग तक देखने को मिल जाएगी, और ये एक साइकोलॉजी बोले तो साइंस पे आधारित मूवी होने वाली है। वो तो आप Krish 3 देख के समझ गए होंगे। और गाइस, इस मूवी की कास्ट की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ एक नाम लेना चाहता हूँ, जैसे विवेक कोफरा, और उसके बाद आएंगे अपनी नोरा फतेह मैम दिखाई दे सकती है, और अपने पागलपन बोले तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसी लुक में नज़र आ सकते हैं Krish 4 मूवी के अंदर। तो आपको मैं बता दूं गाइस, Krish 4 मूवी बहुत टाइम के बाद आनी है, बट अभी नहीं आएगी। तो आपको इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी सबसे बेस्ट लगी? नंबर 1 पे है फाइटर, और सेकंड नंबर पे है गाइस वॉर 2, और थर्ड नंबर पे है अपने ऋतिक सर की Krish 4। इन तीनों मूवी में से सबसे बेस्ट मूवी आपको कौन सी लगी? आप किसका वेट ज़्यादा कर रहे हैं? मुझे कॉमेंट सेक्शन में ऋतिक सर के लिए यार कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस आप सभी के लिए इतना ही आज इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी, बाय बाय, लव यू गाइस।